केंद्र की एनडीए सरकार ने हाल ही में सेनाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना लॉन्च की थी। सरकार ने 4 साल के लिए भर्ती और आकर्षक इंक्रीमेंट बताकर इस योजना को शुरू तो किया, लेकिन अग्निवीर बनने वाले युवाओं को ये रास नहीं आई। उन्होंने सवाल किया है कि क्या 4 साल की अस्थायी नौकरी करने के बाद वे क्या करेंगे। वरीयता देने का सरकार का ऑफर भी युवाओं को समझ नहीं आया। उनका कहना है कि अगर इतनी नौकरियां होती तो आज इतनी बेरोजगारी ही क्यों होती। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना से लेकर बिहार तक में इस योजना के विरोध में भयंकर बवाल और हिंसा मची हुई है। लगभग सभी विपक्षी दलों ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग करनी शुरू कर दी है। इस बीच 18 जून को बिहार में एक बड़ा डेवलपमेंट रहेगा। बिहार बंद का आह्वान किया गया है। सेना भर्ती जवान मोर्चा रोजगार संगठन संयुक्त मोर्चा की ओर से 18 जून 2022 को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। अग्निपथ योजना को वापस करने की मांग को लेकर विधायक मनोज मंजल द्वारा ये मांग की गई है। उन्होंने बताया कि बहाली के नाम पर रिटायरमेंट नहीं चलेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर 18 जून को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। आरजेडी और वाम दलों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी बंद का समर्थन किया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने लेफ्ट पार्टियों के नेताओं के साथ बयान जारी करते हुए कहा कि आर्मी अभ्यर्थियों की तरफ से बुलाए गए बिहार बंद का समर्थन करेंगे। जगदानंद सिंह ने कहा कि इस बंद को महागठबंधन का सक्रिय नहीं बल्कि नैतिक समर्थन होगा। बिहार के जवानों, विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ बिहार समेत पूरे देश में युवा आंदोलन का, विद्यार्थी नौजवानों का आंदोलन ऊंची हो उठी है, आंदोलन धधक रहा है और इसीलिए अग्निपथ भर्ती योजना सरकार वापस ले, ऐसा आरवाईए सेना भर्ती जवान मोर्चा रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा की ओर से कल बिहार बंद का कॉल किया गया है। 18 जून को आप जोशीले तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से बिहार बंद को आप सफल करें। विगत 3 सालों से भारत सरकार बहाली नहीं की है भारतीय सेना में, और भर्ती होने की उम्र में, जिस उम्र में नौजवान अपनी जिंदगी संवारते हैं, सपनों को सजाते हैं, उस उम्र में रिटायरमेंट उनको दे दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट के नाम पे रिटायरमेंट योजना है। बता दें कि बिहार में सेना भर्ती को लेकर प्रस्तावित अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शनकारियों ने तीसरे दिन यानी शुक्रवार को भी जमकर उत्पात मचाया। राज्य के अलग अलग स्टेशनों पर हंगामे किए गए, कई ट्रेनों में आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस, समस्तीपुर में जम्मू तवी एक्सप्रेस और दिल्ली दरभंगा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। भोजपुर कुल्हड़िया में इंटरसिटी, दानापुर में फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन को भी निशाना बनाया गया। यूपी और बिहार के अलावा हैदराबाद में भी कई ट्रेनों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। अज्ञात उपद्रवियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन के पार्सल कोच में आग लगा दी। इधर हालात संभालने के लिए पुलिस फायरिंग में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सिकंदराबाद स्टेशन के पार्सल कोच से सामान निकाला और उसे पटरियों पर फेंक दिया, आग लगा दी, जिससे काफी ट्रेन सेवाएं बाधित हुई हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।